हाँ जी, सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चे जिनके 10 दिन में पेपर होने वाले हैं शुरू, उनके लिए मैं लेके आया हूं 10 दिन की स्ट्रेटेजी कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, कौन कौन से चैप्टर रिवाइज करें कम समय में और कैसा आपका होना चाहिए एक टाइम टेबल, एक घंटे में कितने घंटे आपको पढ़ाई करनी है और कितने घंटे में कितने स्लॉट्स में पढ़ाई करनी है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर लास्ट मोमेंट में अब रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस तो रिवाइज करना अब पॉसिबल नहीं है। वो सारी चीजें मैंने आपको डेट शीट के साथ यहां पर लिख के दिखाई है। ये वाली वीडियो मैं बना रहा हूं ग्रुप 1 के लिए, और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो ग्रुप 2 वाले बच्चों को भी अगर एक ऐसी वीडियो चाहिए जो कि उनके एग्जाम शुरू होने वाले हैं शायद 19 से 19 सितंबर से, आपको भी अगर ऐसी वीडियो चाहिए कि क्या पढ़े, कितना पढ़े, चैप्टर्स भी मार्क करके और चैप्टर्स के नाम भी बताइए हमें कि कितना हमें पढ़ना है, दिन भी बताइए, घंटे भी बताइए, कौन से समय में पढ़ना है, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को देखिएगा पूरा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं इस बार भी 100 लाइक्स का, और आई होप आप पूरी अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करा देंगे। पूरा पूरा देखना हर एक चीज जो कि लास्ट मोमेंट पे बच्चों को एग्जाम से पहले कर देती है परेशान, बर्डन डाल देती है, उसे कैसे ईज करना है वो सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, साइकोलॉजिकल पॉइंट से आपको बताना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो करते हैं शुरू ग्रुप 1 वाले बच्चों के लिए लास्ट के 10 दिन कैसे रहने वाले हैं। तो आपके एग्जाम की डेट शीट आपको ऑलरेडी पता होगी, 12 तारीख को आपका पहला एडवांस अकाउंट्स का पेपर है, 14 तारीख को आपका लॉ का पेपर है, और फिर है आपका मेन पेपर जो मुझे लगता है कि जो मेक और ब्रेक वाला पेपर होता है वो होता है 17 तारीख को टेक्स का। और इस बार अच्छी बात यह है कि आपको 2 छुट्टियां मिलने वाली हैं, जैसा कि जनरली किसी भी एग्जाम में नहीं देखा जाता, ओकेजनली ऐसा होता है, तो ये आपके लिए पॉजिटिव चीज है। तो मैं आता हूं पहले आपको अपने डेज को, यानी कि आज 1 तारीख है तो कल से आपका रिविजन प्लान कैसा होना चाहिए, कौन कौन से दिन कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो मेरे हिसाब से आप सबसे पहले कल से उठा लीजिएगा जीएसटी, क्योंकि जो एग्जाम सबसे ज्यादा दूर है उसे अभी रिवाइज कर लीजिए, बिल्कुल सारी चीजें साइकोलॉजिकल बेस पे मैंने बताई हैं। तो आप जीएसटी के अंदर कौन-कौन से चैप्टर पढ़ेंगे आपके सामने हैं, आईटीसी, रिटर्न, इनवॉइस, एग्जेम्पशन, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, चार्ज और रजिस्ट्रेशन। ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपको एक बार एग्जाम में पहले जाने से पहले इतने दिन पहले रिवाइज करने ही करने पड़ेंगे, शॉर्ट रिवीजन करना, क्विक रिवीजन करना, 2 दिन है पूरे, आप क्वेश्चंस को भी एक बार पढ़ सकते हैं सभी चीजों को, बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो आपको इजीली एक बार रीडिंग करके आ जाएंगे। दूसरे जब आप 2 और 3 तारीख पूरा फुल फ्लेज लगाना कैसे, कौन कौन से घंटे में पढ़ाई करनी है वो सब मैं आपको बताऊंगा, और कैसे पूरा दिन इन्वेस्ट ना करके सिर्फ 10 घंटे में आप 5 सिटिंग करके बहुत ही अच्छा आउटपुट ले सकते हैं। तो मैंने बताया आपको पहले जीएसटी का, जैसे ही 2 और 3 तारीख खत्म होगी फिर आएगी आपकी 4 और 5 तारीख, फिर मैंने इनकम टैक्स में कुछ ऐसे चैप्टर मार्क किए हैं जो कि अमेंडमेंट्स और एग्जेम्पशंस वगैरह से भरे हुए हैं, और दूसरी चीज एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है, तो वो चैप्टर है आपके टीडीएस, टीसीएस, रिटर्न, सैलरी, पीजीबीपी, डिडक्शन, सेट ऑफ, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन। कम से कम इतना रिविजन आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार आपके एडवांस अकाउंट्स की तैयारी करने से पहले, शुरू करने से पहले आपको ये करना ही पड़ेगा। उसके बाद 6 और 7 तारीख को, इसका मतलब मैंने आपको दिन दिए हैं 8, 9, 10, 11, 4 दिन है मैंने आपको दिए हैं सिर्फ और सिर्फ एडवांस अकाउंट्स को रिवाइज करने के लिए। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक बार एडवांस अकाउंट्स में लग जाओगे तो फिर उसके बाद दूसरे पेपरों के लिए समय नहीं मिलेगा, इसलिए अभी से बेस्ट समय है। फिर आते हैं आपके लॉ के पेपर में, लॉ में आपको क्या क्या रिवाइज करना है। कंपनी लॉ में जो चैप्टर्स आपको अच्छे लगे वो चैप्टर्स बस आप एक बार रिवाइज करके रख दीजिएगा। कुछ चैप्टर्स के मैं आपको सजेशन दे देता हूं, जैसे प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल लिख लीजिएगा इसको, मीटिंग्स मतलब मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर, ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला चैप्टर, और आपका चार्ज वाला चैप्टर वो आप पढ़ सकते हैं। जनरल क्लॉज एक्ट वगैरह के लिए मैं एक वन शॉट वीडियो विद नोट्स लेके आऊंगा, अगर आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस पे कमेंट करके बोलेंगे कि हां सर हमें क्या नाम है वन शॉट वीडियो जो अदर लॉज की है वो हमें चाहिए, तो मैं पक्का आपके लिए लेके आऊंगा। फिर उसके बाद आपको फेमा, एलएलपी और अदर लॉज जो है आपको रेगुलर रिवाइज करने हैं, 2 दिन के अंदर आपको ये पूरा काम करना है, अलॉन्ग विद केस स्टडी, एमसीक्यू सब प्रोवाइड मैंने किया हुआ है। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ये बड़ी मुश्किल बात है कि सर पढ़ाने जाता कैसे करना है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, समझ नहीं आता। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं 5 फेज टाइम टेबल, जिसके अंदर आप 5 बार दिन में उठेंगे, बैठेंगे और पढ़ाई करेंगे उसके अलावा, और ये सिर्फ 10 घंटे के लिए आपको करना है। और कैसे करना है, मैं यहां पर कोई 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे कुछ नहीं लिख रहा हूं, मुझे पता है अनरियलिस्टिक है, सभी लोग रात में जो है सोशल मीडिया चलाते हैं और उसके बाद सुबह उठना हो जाता है मुश्किल, तो मैंने एक नॉर्मल बच्चे के लिए टाइम टेबल बनाया है। अगर आप अर्ली पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो आप जल्दी भी उठ सकते हैं, और अगर आप लेट नाइट पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो इसे 1-2 घंटे आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट एंड आइडियल टाइम, नॉट वेरी अर्ली और नॉट वेरी लेट, सभी के लिए टाइम टेबल अच्छा होना चाहिए।
पहली सिटिंग जब आप करेंगे तो आप 7 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे। 7 बजे पढ़ने बैठ जाने का मतलब ये नहीं कि 7 बजे उठ जाएंगे, इसका मतलब 6 बजे उठिए, 6:30 बजे उठिए, फ्रेश होइए, जो भी आपको करना है वो करिए, 7 बजे आपको पढ़ाई करने बैठ जाना है। फिर 2 घंटे की कम से कम आपको सिटिंग लगानी है। अब कोई हिम्मत बोलना सर मैं क्वेश्चन कर रहा था 2 घंटे हो गए मैंने छोड़ दिया, वो तो एक ऑब्वियसली बात है 5-10-15 मिनट आप आगे पीछे कर सकते हैं। फिर आपको पूरा पूरा मैंने 1 घंटे का ब्रेक दिया है यहां पर देखिए, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे, पढ़ाई जरूरी लगे पढ़ाई करिए, रेस्ट जरूरी लगे रेस्ट करिए, या आपको नोट्स कंपाइल करने हैं अगला वाला कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसके पीडीएफ निकाल लेते हैं, बुक्स निकाल लेते हैं, नोट्स निकाल लेते हैं, इसके लिए 1 घंटा ये जो है ये पूरा पढ़ाई करने का है। ध्यान रखना बीच में जो मैंने गैप दिए हैं ये रेस्ट के लिए, ब्रेक के लिए, प्लस चैप्टर्स को अरेंज करने के लिए भी है। ऐसा ना हो 1 घंटा इधर उधर में निकल जाए, नोट्स उससे मांग भाई, पहले ही आपको रेडी करके रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आप 1 घंटे के बाद 10 बजे शुरू करेंगे और इस बार की जो सिटिंग होगी वो होगी 2.5 घंटे की। आप 2.5 घंटे से पहले उठेंगे नहीं, फोन की सभी नोटिफिकेशन और नेट कर दीजिएगा ऑफ जब आप पढ़ाई करें। ध्यान रखिएगा अभी से आपके पीडीएफ प्रिंट वगैरह निकल जाने चाहिए, खुद मत जाइए, पेरेंट्स को भेजिए, भाई बहन को भेजिए, उनसे निकलवाइए और जितना फोन से दूर रहेंगे, सर आपकी वीडियो हम फोन में ही देख रहे हैं, तो आप फोन को जब देखिए जब आपको लगे कि अब आपके पास टाइम है, जब आप नोटिफिकेशन ऑन रखते हैं तब इसका मतलब फोन जब चाहता है तब आप फोन को देख रहे हैं, फिर चाहे वो स्नैप आ गया, चाहे वो इंस्टाग्राम आ गया, चाहे वो यूट्यूब आ गया, कुछ भी आ गया। मेरे हिसाब से अगर एक आप स्टूडेंट हैं, अब आप बोलोगे सर आपकी वीडियो मिस हो गई तो, और आपने पहले टाइम टेबल, तो मैं आपको कल कोशिश करूंगा कि आपको जो वीडियोस मिला करेंगे वो 10 और 11 के मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको 2 वीडियोस मिला करेंगे डेली से सुपर 40 बहुत जल्द आपके लिए, शायद कल या परसों से मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट्स के लिए लेके आऊंगा। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा आप सर्च कर लीजिए, चेक कर लीजिए कोई वीडियो आई है या नहीं आई और फोन को रख दीजिए। नोटिफिकेशन के थ्रू अगर आप फोन को रन करेंगे तो फोन आपको रन कर रहा होगा, आपका हो जाएगा टाइम वेस्ट। फिर मैंने आपको प्रॉपर 1 घंटे का फिर से ब्रेक दिया है, फिर आप उसके बाद खाना खाइए, लंच कीजिए, जो भी करना है, उसके बाद सिर्फ 1 घंटे पढ़ाई करनी है आपको, 1 घंटे के बाद रख दीजिएगा। 2.5 बजे के बाद मैंने आपको फिर से 1.5 घंटे का ब्रेक दिया है, कुछ बच्चे पावर नैप लेते हैं, कुछ बच्चे कुछ भी करते हैं, मतलब XYZ चीजें, मान लीजिए सोना है, टीवी देखना, जो करना है आप करिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस इस चीज में एक ही चीज ध्यान रखना, इन ब्रेक्स के दौरान आप अपने किसी दोस्त से लड़ाई मत कीजिए, इंटेंस कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व मत होइए, उसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, सारा पढ़ाई लिखाई जो है आपको सभी से इवन टर्म्स पे रहना है इस पेपर के दौरान, जो कि मैंने काफी सारे बच्चों के साथ देखा है, उसने ज्यादा पढ़ाई कर ली, उसने बताया नहीं, मेरी उससे लड़ाई हो गई, मेरी उससे बातचीत बंद हो गई, इन सब चीजों में अगर आप रह गए और 8-10 घंटे पढ़ाई करने के बाद लास्ट में रात में जाके आप ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो सारी चीजें जीरो है, रिजल्ट आज ही नेगेटिव लिख लीजिएगा, हार्श वर्ड मुझे बोलने पड़ेंगे, आपको सभी के साथ इवन टर्म्स पे रहना और सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखना है अगले कुछ दिन। और अगर इसके अगर कोई चीज इस चीज को समझ नहीं रहा है तो इसका मतलब आपका वो व्यक्ति भला नहीं चाहता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 4 बजे से आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे, 2.5 घंटे की आप सेटिंग करेंगे, फिर से मैंने आपको 1 घंटे का ब्रेक दिया और इस बार आप 2 घंटे की पढ़ाई करेंगे, 9:30 बजे आप बंद कर देंगे इसको। आप 1-2 घंटे आगे पीछे ब्रेक्स को कम करके 10 घंटे से बढ़ा सकते हैं, लेकिन 10 घंटे से कम मत करना। और अगर आप इस तरीके की सिटिंग लगा, क्योंकि मुझे पता है 5-5 घंटे बैठ के नहीं पढ़ा जाएगा बच्चे से, आजकल के सोशल मीडिया का जमाना है, प्लस बच्चों की जो बॉडीज है उस तरीके से बिल्ड नहीं है कि वो लॉन्ग आवर्स तक पढ़ाई कर सके, तो मेरा आपको सजेशन है कि इतने शॉर्ट फेज में 5 फेज के टाइम टेबल को आप फॉलो करिए। आपके पास और भी ज्यादा अच्छा टाइम टेबल है जिसमें ज्यादा घंटे आप पढ़ पा रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है इसमें कम थकावट के साथ आप बेस्ट आउटपुट ले पाएंगे। ब्रेक्स में नोट्स अरेंज करने का काम करेंगे आप, जब पढ़ाई करने का टाइम शुरू हो जाएगा तब आप इस चीज को नहीं करेंगे। तो ये था मेरे हिसाब से ग्रुप 1 वालों के लिए टाइम टेबल। अगर कोई ग्रुप 2 वाला बच्चा देख रहा है इसको तो मुझे बताइएगा, मैं अगर आपको ये अच्छा लगा हो कि कौन कौन से चैप्टर सर आपने बता दिए हैं तो एक हमें डायरेक्शन मिल गई है ताकि हम इधर उधर आप टाइम वेस्ट ना करें, कौन सा करें या कौन सा ना करें। अगर आपको ग्रुप 2 के लिए भी ऐसी वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को बिना सब्सक्राइब करें अगर देख रहे हो तो देखो माता रानी पाप लगाएगी, तो क्या नाम है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ, सुपर 40 पूरी कोशिश करूंगा कि कल से मैं शुरू कर दूं। थैंक यू सो मच।